डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर अपने 11.2, उसकी क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे हमने, ठीक है। आज हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो आप देखो। ड्राई लाइन सेगमेंट ए बी लेंथ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटर ए ड्राई सर्किल रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड सेंटर बी ड्राई सर्किल रेडियस 3 सेंटीमीटर। कंट्रेक्शन टेंजेंट्स टू ईच सर्किल फ्रॉम द सेंटर टू अदर सर्किल। तो क्या करना है कि एक लाइन सेगमेंट लेना है आपको ए बी, ठीक है, जिसकी रेडियस सॉरी जिसकी डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। तो जैसे हम एक लाइन सेगमेंट ले रहे हैं ए बी, जिसको हमने नेम दिया ए एंड बी। ए और बी दो पॉइंट्स हो गए, कंपास लेना आपको कंपास की हेल्प से फोर सेंटीमीटर रेडियस के एक सर्किल ड्रॉ करना है। तो 4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ किया, पॉइंट बी से 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो पॉइंट ए से 4 सेंटीमीटर रेडियस का, पॉइंट बी से 3 सेंटीमीटर रेडियस के सर्किल ड्रॉ किया है। अब आपको पॉइंट ए और बी से दोनों पे टेंजेंट्स बनानी है। टेंजेंट्स बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि ए बी को हम बाइसेक्ट करते हैं, तो लाइन ए बी को क्या करना होगा, बाइसेक्ट।
एक मिनट रुको बेटा, जहाँ ये आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन्हें ज्वाइन कराते हैं बेटा। जो सेंटर ओ पर बाइसेक्ट करता है, ओ को सेंटर ज्यूम करके एक सर्किल बनाते हैं। सेंटर ओ को ओ पॉइंट ओ को सेंटर जूम किया और ओ ए रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ किया। जहाँ ये सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनको पॉइंट्स नेम दिया। T1, T2, T3, T4। T1 को B से ज्वाइन किया, T2 को B से ज्वाइन किया, T4 को A से T3 को पॉइंट A से तो हमें 4 टेंजेंट्स फाइंड हुई। ये देखिए आप कंप्लीट 83, 84, B2 और BT1 ये हो गया। ठीक है बेटा, इसकी कंटेक्शंस लिखनी है। कंटेक्शंस लिखिए आप, ड्राई लाइन सेगमेंट ए बी 8 सेंटीमीटर, टेकिंग ए एज ए सेंटर, ड्रा ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड टेकिंग बी एज ए सेंटर, ड्रा ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो क्या क्या वर्क किया हमने, फर्स्ट ए बी एक लाइन सेगमेंट लिया 8 सेंटीमीटर का, पॉइंट ए से 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल ड्रॉ किया, पॉइंट बी से 3 सेंटीमीटर सर्किल थ्री सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल ड्रॉ किया। दोनों सर्किल ड्रॉ हो गए, फिर ए बी लाइन को हमने इंटरसेक्ट किया जिससे ओ पॉइंट मिला बाइसेक्ट करने पर। तो ओ इज द सेंटर ऑफ ए बी विथ ओ इज द सेंटर, ड्रा सर्किल ऑफ रेडियस ओ ए और ओ बी, इंटरसेक्टिंग सर्किल विथ सेंटर बी पॉइंट T3, T4, सर्किल विथ सेंटर ए पॉइंट T1, T2, जॉइन 84, 83, BT1, BD2, देन आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो ये हमें रिक्वायर्ड टेंजेंट्स फाइंड हुई। अब इसका जस्टिफिकेशंस करना, तो जस्टिफिकेशंस कैसे करोगे बेटा, BT1
और इसमें आपको क्या रेस्टिवेशन करने के लिए क्या होगा कि इसको ज्वाइन करा दो 81 को, तो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन जाएगा। दो ट्राइंगल्स हो गए AB T1 एंड AT4B। तो हम इसे प्रूफ कर सकते हैं बेटा, AT1 BT1 पर क्या है, परपेंडिकुलर तो हमसे एंड 84 परपेंडिकुलर है किस पर, BT4 पर। ये दोनों थ्योरम से तो देखते हैं, और दूसरी चीज कौन सा है कि ये क्या है, डायमीटर ऑफ बिग सर्किल। तो डायमीटर पर कोई भी ट्राइंगल्स बने वो कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री का। क्लास 9th में आपको थ्योरम सिखाई गई थी 10.8, क्या था बेटा उसमें, एंगल इन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल। तो इससे हम इसे प्रूफ कर देंगे, तो चारों कितने बन रहे हैं, 90 डिग्री के। क्वेश्चन नंबर 6, ABC एक ट्राइंगल्स बनाना जो राइट एंगल ट्राइंगल हो, AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर एंड एंगल B इज 90 डिग्री, ये गिवन है। BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC, द सर्किल थ्रो BCD इज ड्रॉ कंटेक्शन द टेंजेंट्स फ्रॉम A टू सर्किल। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं बेटा, तो पहले एक ट्राइंगल ड्रा करना है जिसमें AB सिक्स सेंटीमीटर एंड BC 8 सेंटीमीटर। BC 8 सेंटीमीटर, BP ड्रॉ करना है एंगल 90 डिग्री का, और जो कितना होना चाहिए 6 सेंटीमीटर। ये बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया ABC जिस पर बी पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल्स है। अब आपको ड्रॉ करना है एक BD इज परपेंडिकुलर AC, तो BD कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए किस पर, AC पर। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम बायसेक्टर कंट्रेक्शंस करेंगे,
तो बी डी परपेंडिकुलर होना चाहिए किस पर, एच सी पर। आप कंपास से भी कर सकते हो। हम यहाँ पर इसे पॉइंट दे देते हैं भाई, बी सी परपेंडिकुलर होगा, चेक करना ही आपको, उसके बाद ही बताना है। अब क्या करना है कि बायसेक्टर ऑफ बी सी एंड बी डी, बायसेक्टर बनाना है, एक तो बी सी का और एक बी डी का। तो बी सी का बाइसेक्टर ये बायसेक्टर आ गया बी सी का, और सॉरी हमने बी डी ड्रॉ नहीं की, बी डी ड्रॉ करनी जो परपेंडिकुलर है। ये कट कर दिया, जॉइन ए ओ परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ओ ए,
पॉइंट एन। एन ए को रेडियस लेकर एक सर्किल ड्रॉ करना है। थोड़ा सा गलत बन गया बेटा, ध्यान रखना। और एक ओबी रेडियस लेकर सर्किल ड्रॉ करना है। तो ये ऐसे कंप्लीट सर्किल बनेगा। ठीक है, एक बार हम दोबारा बना देंगे। ऐसे थोड़ा रफली फिगर बनाइए। अच्छा, ये सर्किल जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से हम टेंजेंट्स को ज्वाइन करा देंगे।